हेलो एवरीवन गाइस, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास आज इस वक्त जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स भी ऊपर चल चुके हैं, इफ़ समबडी हैज़ जस्ट वोकन अप एंड ही और शी वांट्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ एट सच अ हाई वैल्यूएशन, तो अभी बहुत कम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वी शुड वेट। बट अ वाइज डिसीजन वुड बी, जब भी आप लमसम पैसा लेके म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में एंट्री करें, जब भी इट्स ऑलवेज बेटर टू ब्रेक इट डाउन इनटू बास्केट्स। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है, जो कि ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, बट अगर किसी के पास 25 लाख रुपया भी है और अब उसको लगा कि यार मार्केट तो अभी ऊपर चला गया, फोमो आ रही है, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू ब्रेक इट डाउन इनटू लेट्स से 10,000 रुपीज पर डे, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट, उसको डेली 10,000 करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जो भी म्यूचुअल फंड चूज़ करें या जो भी स्टॉक चूज़ करें, पोजिशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप 25 लाख लेके अभी घुसे और मार्केट में करेक्शन आया, किसी भी वजह से आया, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, बट वो इनहेरेंट रिस्क तो है ना। उससे अच्छा जब आप 10,000 डेली डालते हो तो आपके 25 लाख, सोचिए कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सक्सेसफुली म्यूचुअल फंड्स जैसे करते हैं वैसे ही इन्वेस्ट हो जाएंगे, लाइक एन SIP, बट दिस टाइम इट विल बी अ डेली SIP। एंड डेली SIP में जो आपको कंपाउंडिंग मिलेगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी। तो अभी प्रॉब्लम ये है दैट मेनी पीपल आर फीलिंग दैट मार्केट अभी नीचे जाएगा ही नहीं, एंड मार्केट्स आर एवर सुप्रीम। वो यही पॉइंट पे आके आपको धोखा दे सकते हैं जब आपको लगे कि दिस इज़ एन आइडियल सिनारियो, जहाँ सबसे नए निवेशक जो होते हैं वो इसी पॉइंट पे आके गलतियाँ करते हैं। हो सकता है मार्केट नीचे ना जाए, लेकिन इट हैज़ रीच्ड अ पिवोटल लेवल, जहाँ से एक तरफा ऊपर जाना इज़ नॉट हेल्दी, इट्स नॉट सस्टेनेबल। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यूफोरिया हो जाता है मार्केट में। यूफोरिया मतलब जो स्टॉक कभी नहीं चले वो फिर चलने लगते हैं, बैड क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने लगते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड क्यों सही है। म्यूचुअल फ़ंड सही है जो कैंपेन है, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। लेकिन आज संडे 17 दिसंबर 2023, सबसे सुखी इंसान या इन्वेस्टर वो है जिसने रेगुलर SIP किया, चाहे स्टॉक्स में किया हो या म्यूचुअल फ़ंड में किया हो। पिछले 3 साल से, दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक, जिसने भी रेगुलर SIP किया है ना गाइस, दैट पर्सन इज़ द हैप्पीएस्ट। थिंक अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।